तो अब हम लोग चल चुके हैं और जिम में जा रहे हैं। आज मैं तुरंत नया जिम ट्राई करूंगी एंड उसके बाद ट्राई करके मैं आपको बताऊंगी कैसा लगा। थोड़ा सा मैं जिम देखना चाहती हूँ, मैंने नया जिम की एक लोकेशन चूज किया है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कुछ एक्सरसाइज करते हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करूंगी आज मैं। लेग्स से है मेरा, और वैसे भी मेरी लेग्स बहुत मोटी है तो मैं लेग्स की एक्सरसाइज करूंगी। और आज दिन की शुरुआत है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन और देखते हैं आज दिन कैसा जाएगा। माता रानी की दुआ रहे, भगवान की दुआ रहे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले। लोकेशन तो अभी मैंने टाइप मारी है और देख के आते हैं। मैंने इसके रिव्यू बहुत अच्छे सुने हैं जिम के, तो देख के आते हैं कि कैसी मशीन्स हैं और इतने अच्छे रिव्यू हैं, तो हम लोग इसमें वर्कआउट करते हैं। तो हमारी गाड़ी ले चली लेफ्ट। दी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ एक्सरसाइज करके, और मैं आपको मिलाती हूँ यहाँ के जो ओनर हैं, जो जिम ट्रेनर हैं जिन्होंने मुझे एक्सरसाइज कराई। मैंने आई थिंक एक से डेढ़ घंटा एक्सरसाइज किया और मेरी बदन पसीना पसीना हो गया। बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, और अभी मैं ऑफिस में लेके जा रही हूँ। बट मज़ा आ गया यार, सच्ची में मज़ा आ गया। यहाँ पे जितनी भी मशीन्स हैं जो भी मैंने की है सारी एडवांस है। वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है मेरी, मुझे फील हो रहा है अपना हर बॉडी पार्ट। आज मैंने सारे बॉडी पार्ट को किया है और हर बॉडी पार्ट फील हो रहा है, और स्वेट भी बहुत तगड़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर इज़ वेरी पॉजिटिव एंड आप प्लीज़ आना यहाँ पे। ट्रेनर्स भी बहुत फ्रेंडली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगी, मैं जिम करती हूँ और बहुत साल से करती हूँ, पर नॉर्मली जिम में ट्रेनर्स लड़के ही होते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। तो दोज लेडीज हु वॉन्ट की लेडीज से ट्रेनिंग लेनी है कम्फर्टेबल, हर औरत आदमी से नहीं होती है। तो लड़कियाँ भी ट्रेनर हैं, जेंट्स भी ट्रेनर हैं, और ट्रेनर्स आर वेरी फ्रेंडली। और यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग पे भी वर्कआउट होता है, पर हम ऑफिस में लेके जाएंगे, जो ने मुझे ट्रेनिंग कराई उनसे हम मिलवाते हैं, और आपको मैं बताती हूँ जिम कहाँ है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, मिलाती हूँ हमारे ट्रेनर से। मुझे बहुत ही मज़ा आया सर, सच्ची में बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, एटमोसफियर बहुत अच्छा था। मुझे बहुत मैटर करता है कि मैं जहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ वहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है या नहीं आ रही है। एक तो सबका फेस इतना स्माइलिंग और इतना प्यारा था ना, बहुत अच्छा लगा। हमारा जिम कहाँ है सर? ये पालम में हमारा जिम है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के ठीक सामने। हमारे जिम में आज आपके एक्सरसाइज का बताता हूँ हमने क्या किया। आज हमने फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग करी है, जिसके अंदर हमने पहले मोबिलिटी करी थी, हमने जॉइंट्स को सारा ओपन अप करा ताकि हमको कोई इंजरी ना। फिर हमने वार्म अप किया, वार्म अप में हम ये कर रहे थे कि हम बॉडी को रेडी कर रहे थे अपने ऑर्गन सिस्टम्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, ताकि हमारी ऑक्सीजन टाइम पर पहुँच सके हमारी बॉडी में। उसके बाद हमने हर बॉडी पार्ट की एक एक एक्सरसाइज करी, दो दो सेट करी। जब पूरी बॉडी फुल बॉडी वर्कआउट कंडीशनिंग फेज हमारा कम्प्लीट हुआ, तब हमने कूल डाउन किया कि जो ब्लड फ्लो हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है वो नॉर्मलाइज हो। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग करी, जो मसल्स हमने स्क्वीज किए हैं, बार बार स्क्वीज किए हैं, उनको नॉर्मल लेवल पे ले जाने। आज का वर्कआउट पूरा हमारा ये। तो मुझे एक और चीज़ में बताना चाहूँगी, मैं 5-6 साल से जिम कर रही हूँ, बट जैसे वार्म अप तो हम पहले हमेशा ही करते हैं, बट कूल डाउन को नहीं कराता। Right. और सर ने मुझे बोला था कि कूल डाउन करो वरना इंजरी आ जाएगी। इंजरी होने की, स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, और स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, हम ये भी मिसआउट कर जाते हैं। क्योंकि लेडीज, मैं लेडीज का पॉइंट ऑफ व्यू जान सकती हूँ, क्योंकि लेडीज की बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। Right. और वेट कम नहीं होता, वेट हम लोग गलत एक्सरसाइज करें, टारगेटेड एक्सरसाइज नहीं करें तो वेट पे इफेक्ट भी आता है। कई बार आप एक्सरसाइज करते हो 3-3-4-4 घंटे, मैं कहूँ मैंने 1 घंटा किया, मैं पूरी तरपतर हो रही,
पसीना बहुत अच्छा है, बॉडी में हर जगह फील है और बॉडी खुल भी गई है, काफी स्टिफ हो रखी थी, बॉडी खुल भी गई है। आप यहाँ थकने नहीं होते, आपको डे का जो गोल है वो अचीव हो जाए, दैट्स इट, आपका रिजल्ट आएगा। तो एक ट्रेनर, एक बेस्ट ट्रेनर, एक बेस्ट एटमोसफेयर बहुत जरूरी है अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए। सर अगर ये भी जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए है, जिम में आना है, कोई आसपास दिल्ली द्वारका में वो आना है, और सर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी, कुछ दिनों में हमारी ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी साइट से जो भी लोग आते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर देंगे, यहाँ पे नंबर मेंशन हो रहा होगा साइट का, सर लोगों को ये जिम का नंबर है, जिनको भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड, पर्सनल ट्रेनिंग या फिर दिल्ली द्वारका के आसपास जो भी लोग हैं, तो वो लोग बिल्कुल जिम में आए, एक्सरसाइज करें, क्योंकि नॉर्मली अगर आप जिम में जाते हो ना, तो पर्सनल ट्रेनिंग पीटी के पता नहीं कितने कितने पैसे ले लेते हैं। सर यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग अवेलेबल है, हमारे एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला है कि यहाँ पे जितने लोग आएंगे सबको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी, सबको इक्वल टेंशन होगा, सबकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, तीन दिन का सबको ट्रायल देते हैं, स्ट्रेंथ का, फंक्शनल ट्रेनिंग का, फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें हम ये चेक कर लेते हैं क्लाइंट की करंट फिटनेस क्या है, उसके बाद हम उसकी स्क्रीनिंग और असेसमेंट करते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर हम उसको जानते हैं, उसको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं है, आपको कोई डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका डाइट रिजीम क्या है, डेली रूटीन क्या, आपके गोल्स क्या, मतलब आपसे सारा आपके बारे में जान। ये मैंने नोटिस भी किया था सर, मुझे एक्सरसाइज कराया था, ऐसा नहीं मेरे साथ से था, एक लेडी और थी, उन्होंने बोला इनको ये हेल्थ इशू है, इनको ये ही एक्सरसाइज करवानी है, दूसरी कोई नहीं करवानी है, तो आपकी हेल्थ और बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जिनका एड्रेस मैं मेंशन कर रही हूँ, इनकी इंस्टाग्राम आईडी को मैं टैग कर रही हूँ, और इनका पर्सनल नंबर है जिम का, किसी को भी पीटी, ऑनलाइन ट्रेनिंग या जिम करना हो तो एक बार ज़रूर इनसे कंसल्टेशन करें। और इस वीडियो का लिंक अगर आप सर के साथ शेयर करते हैं तो ये आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, है ना, स्क्रीन शॉट दे देना सर को, परेशान करता हूँ, ले लो डिस्काउंट, जब मिल रहा है तो उसको छोड़ देनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।